नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को भोपाल पहुंच गए। भोपाल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। शाह एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के दफ्तर की तरफ रवाना हुए। पार्टी की मीटिंग लगभग 4 घंटे तक चली और 4 घंटे चली मैराथन बैठक में। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा एक ही गाड़ी से होटल ताल की तरफ रवाना हो गए। अमित शाह तकरीबन 5 साल बाद भोपाल में एक रात बिताए थे, यानी कि अमित शाह करीबन 5 साल बाद कल ऐसा दिन था जहाँ पर अमित शाह भोपाल में रुके। चर्चा है कि अगले 7 दिनों में अमित शाह का एक और उज्जैन दौरा होने वाला है। वहाँ पे उज्जैन के महाकाल का दौरा कर सकते हैं अमित शाह, जहाँ शाह उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे और उज्जैन संभाग के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है। अमित शाह के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने आगवानी की। MP में भाजपा के चुनावी मैराथन 4 घंटे तक चली है। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा की बम्पर बैठक हुई। आपको ये भी बता दें कि 15 दिनों के अंदर अंदर अमित शाह की MP में दूसरी बैठक थी ये, जहां उन्होंने चुनावी समीक्षा तैयारियों और प्लानिंग की को लेकर कई बैठक की। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर शाह बड़ी बड़ी प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति बनाने पर चर्चा भी हुई। यही टीम लोग फैसला लेगी कि टिकट किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि विजय संकल्प यात्रा निकालने समेत 15 दिन पहले हुई बैठक का फीडबैक भी लिया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 5 जगहों से निकलने वाली इस विजय संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से मध्य प्रदेश दौरा होगा। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है और 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुँचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोर ग्रुप के प्रमुख नेताओं से 121 की भी चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। दरअसल 12 अगस्त को सागर में हो रहे संत रविदास मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।